हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। सो गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ मेकअप प्रोसेस शेयर करने वाली हूँ। एंड ये बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल मेकअप प्रोसेस है। एंड आई नो आप लोगों में से बहुत लोगों के पास ये मेकअप ब्रशेस होंगे, बिकॉज ये बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल एंड बहुत ही अच्छे मेकअप ब्रशेस हैं। सो आप लोगों ने ये एंड ये किसी भी वेबसाइट पर आपको ईजिली मिल जाएगा। आई नो आप लोगों में से कई लोगों ने इस मेकअप ब्रशेस को ट्राई भी किया होगा, बट जिन लोगों ने नहीं किया है, आज मैं उन लोगों के साथ इस मेकअप ब्रशेस का रिव्यू शेयर करूँगी। एंड बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है, आई थिंक 99 में आपको इजीली मिल जाएंगे। बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत ही ईजीली आपके फेस में ब्लेंड आउट कर देंगे मेकअप प्रोडक्ट को। सो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, यदि आपको मेरा ये मेकअप लुक पसंद आ रहा है तो लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, गो एंड चेक आउट। मेरे चैनल में न्यू है तो प्लीज़ गाइस, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। सो चलिए गाइस, ज़्यादा बातें ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको इसका 10 का सेट मिलता है, 5 स्मॉल एंड 5 बड़े वाले मिलेंगे आपको। सो यह सबसे पहले हम इन बड़े वाले मेकअप ब्रशेस की बात करेंगे। सो फर्स्ट जो ब्रश है, आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हैं इसके ब्रशेस। एंड फर्स्ट जो ब्रशेस है, आप इसको लूज पाउडर या किसी भी कॉम्पैक्ट के लिए यूज कर सकते हैं। ये पाउडर ब्रश है, इजीली आपके फेस पे किसी भी पाउडर को अच्छे से सेट कर देगा एंड बहुत ही स्मूथली आपके फेस पर ब्लेंड आउट हो जाएगा। ये था हमारा फर्स्ट ब्रश। एंड सेकंड ब्रश जो है वो इस टाइप का है, एंकल। एंड ये जो है आपको कॉन्टोर, फेस की कॉन्टोरिंग, ब्रॉन्जर के लिए हेल्प करेगा। ये बहुत ही सॉफ्ट ब्रशेस है, इजीली से आपके फेस को कॉन्टोर करेगा। एंड इस टाइप के जो ब्रशेस होते हैं कि फेस को इजीली कॉन्टोर कर देता है। सो ये था हमारा सेकंड ब्रशेस। थर्ड ब्रश जो है ये छोटा सा, ये इसके ब्रश जो है काफ़ी छोटे छोटे हैं। ये ब्लश के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं, बिकॉज ब्लश जो है इससे इजीली लग जाता है एंड अच्छे से ब्लेंड आउट हो जाता है। आप इस टाइप से इसको ब्लश के लिए भी यूज कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा ब्रशेस है एंड ब्लश के लिए मैं इसको यूज करती हूँ। इसको मैंने ट्राई कर लिया है गाइस एंड मुझे पसंद आया था, इसलिए मैं आप लोगों के साथ इसका रिव्यू शेयर कर रही हूँ। इसको आप अच्छे से ब्लश के लिए यूज कर सकते हैं। ये था हमारा थर्ड। एंड नेक्स्ट जो है ये फाउंडेशन। आप अगेन, ये भी एंकुलर ब्रश है, बट इससे ईजिली आप अपने ऐसे हैंड में फाउंडेशन लेके, या फाउंडेशन, सीसी क्रीम, कुछ भी हो, आप इसको ईजिली ऐसे अपने हैंड पर लेके अच्छे से ब्लेंड आउट कर देंगे। ये आपके फाउंडेशन को जो है बहुत ही अच्छे से ब्लेंड आउट करता है, कोई भी केकिनेस नहीं होती है इस मेकअप ब्रशेस से। आप चाहे तो इसको जरूर ट्राई कीजिएगा, ब्यूटी ब्लेंडर से भी अच्छा काम करते हैं ये मेकअप ब्रशेस। फोर्थ, फिफ्थ जो है ये बहुत ही अच्छा सा छोटा सा मेकअप ब्रश है, जो कि हम इसको आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये मेकअप जो ब्रश, ये जो ब्रश है ये आप हाइलाइटर के लिए यूज कर सकते हैं। इससे बहुत ही अच्छे से हाइलाइटर लग जाता है, बहुत ही अच्छे से ब्लेंड हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा इजीली। बस आपको ऐसे लेना है प्रोडक्ट और इसको अप्लाई कर लेना है, आप ब्राउ बोन में, इनर कॉर्नर्स को अच्छे से इससे हाईलाइट कर सकते हैं। एक और बात कि आप इससे ईजीली अपने नोज को भी कॉन्टोर कर सकते हैं। ये था हमारा फिफ्थ ब्रश, जो कि बड़े ब्रश में है। एंड अब हम बात करेंगे स्मॉल ब्रश की। इसमें से थोड़े गंदे भी है, बिकॉज मैंने जो मेकअप किया था उसमें इसको यूज़ किया था। सो ये थोड़े गंदे भी हैं। आपको 5 मेकअप ब्रशेस मिल जाएंगे। एंड फर्स्ट जो है ये फ्लफिंग ब्रश, जिससे आप अपने आई शेडो को अच्छे से ब्लेंड आउट कर सकते हैं बहुत ही ईजी तरीके से। ये बहुत बड़ा ब्रश है, तो आपके आई शेडो को अच्छे से ब्लेंड कर लेगा। एंड आप चाहे तो इससे हाइलाइटर भी इससे अप्लाई कर सकते हैं, ब्राउन को भी इससे हाईलाइट कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा है, बड़ा है एंड बहुत ही अच्छे से आपके
आईलिड पे आई शेडो को अच्छे से ब्लेंड आउट करता है विदाउट किसी भी केकीनेस के। सो ये था हमारा फर्स्ट स्मॉल ब्रश। एंड जो सेकंड है ये थोड़ा गंदा है। ये जो सेकंड है ये भी एक ब्रश है, मेक आई मेकअप ब्रश ही है। इसको इससे आप अपने अच्छे से आई मेकअप कर सकते हैं। एंड ये बहुत ही सॉफ्ट है, आपको आई मेकअप करने में बहुत ही इजी होगा। आप चाहे तो इसको अच्छे से बाय कर सकते हैं, बहुत ही अफोर्डेबल है। सेकेंड ये था। थर्ड जो है अगेन एक एंकल ब्रश है, आप देख सकते हैं इसको भी आप इससे आप कॉन्टोर भी कर सकते हैं हल्का हल्का। जो लिक्विड कॉन्टोर होते हैं स्टिक कॉन्टोर होते हैं उसको अच्छे से ब्लेंड आउट कर देगा ये। एंड इससे आप अपने नोज़ की कॉन्टोर भी कर सकते हैं, आई मेकअप भी कर सकते हैं। ये बहुत ही बहुत तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं, यू नो, कॉन्टोर, आई शेडो, नोज कॉन्टोर, ब्रॉन्जर, हर चीज़ के साथ आप इसको यूज कर सकते हैं। ये था हमारा फोर्थ ब्रश। ये था हमारा थर्ड ब्रश। एंड फोर्थ जो है ये और ये सेम है, यू छोटे छोटे से, इससे भी आप इससे आप हाईलाइट कर सकते हैं। एंड आई मेकअप आप काजल वगैरह को स्मच करने के लिए भी इसको यूज कर सकते हैं। आप इसको स्मच ये आपके अच्छे से काजल को एंड आई शेडो को अच्छे से स्मच कर देगा। यदि आप स्मोकी लुक करते हैं, आई स्मोकी आई पसंद है, आप इस ब्रश से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत ही अच्छे से आपके काजल को जो है स्मच कर देता है, ब्लेंड कर देता है। ये देखिए छोटा सा अगेन, ये आप इससे अपने इनर कॉर्नर को हाईलाइट कर सकते हैं, ब्राउ बोन को हाईलाइट कर सकते हैं, नोज को, चीक्स को, बहुत तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। लास्ट जो ब्रश है ये बहुत ही छोटा सा ब्रश है, पता नहीं इसको आप कैसे यूज करेंगे, बट मैं इसको आई शेडो ब्लेंड करने के लिए ही यूज करती हूँ। बहुत ही छोटा सा है एंड अगेन ये हाइलाइटर के काम भी आता है। सो या गाइस, ये थे मेरे मेकअप ब्रशेस। आई होप आप लोगों को मेरे ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप इसको बाय करना चाहते हैं तो लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, प्लीज़ चेकआउट ज़रूर कर लीजिएगा। एंड कैसा लगा मेरा ये वीडियो मेकअप ब्रशेस एंड मेरा मेकअप, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। गाइस मिलते हैं अच्छे से नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, सी यू, एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।